मर्डर किया है कभी? हाँ हाँ आपसे ही पूछ रहा हूँ, खून किया है कभी? अगर किसी ने जानबूझकर किया है तो कोई बात नहीं, वो तो चैन से सो सकता है। पर सोचो अगर किसी को गैर इरादतन हत्या करनी पड़े तो, सोचो अगर हर दिन मजबूरी में इच्छा के खिलाफ मर्डर करना पड़े तो, और वो भी उस इंसान का मर्डर करना पड़े जो आपको भगवान स्वरूप में देखता हो और आपके सामने दर्द में कराहते हुए एक कमज़ोर असहाय दयनीय अवस्था में एक मरीज के रूप में पड़ा हुआ है और उसके इलाज के नाम पर आपको उसका खून निकालना पड़ता है। आशा है इलाज की, पर मिलती है मौत। कैसे करोगे प्रैक्टिस? कैसे जी पाओगे? कैसे चैन से सो पाओगे? कैसे सहन कर पाओगे अंदर की रोती बिलखती चीखती हुई अंतरात्मा को? सुनसान अकेली गली में भी अपने अंदर के झंझावात के शोर को कैसे झेल पाओगे? चिकित्सा के इतिहास में ऐसा ही कुछ एक डॉक्टर के साथ हुआ था। समय सन 1786, स्थान जर्मनी लाइपजिग। उसको ये रियलाइज हुआ कि मरीज बीमारी से कम और इलाज करने के क्रूर और निर्दयी तरीकों से ज़्यादा मर रहे हैं। अपने आप को वो फेस नहीं कर पाया और उसने मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी। पर वो सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ सकता था, अपने अंदर के डॉक्टर को, अपने अंदर के साइंटिस्ट को कैसे मार पाता? कुलेंस मटेरिया मेडिका को जर्मन में ट्रांसलेट करते वक्त उसके साइंटिफिक माइंड को एक बात खटक गई। सिंकोना बार की पंजेंट करेक्टर से मलेरिया कैसे ठीक हो सकता है? दूसरे सब्सटेंस में भी तो पंजेंट करेक्टर है। यहीं से उसकी दिमागी खुजली एक ऐतिहासिक निर्णय की ओर मुड़ने वाली थी। उसने सिंकोना बार्क खुद खाया और उसके अंदर मलेरिया के सारे लक्षण दिखने लगे। कई सारे सब्सटेंसेस के एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद वो एक क्रांतिकारी और एक अनोखे फैसले पर पहुंचे। स्वस्थ मनुष्यों में एक सब्सटेंस जो बीमारी पैदा कर सकता है, वही सब्सटेंस कम और डाइल्यूटेड मात्रा में उसी बीमारी को ठीक भी कर सकता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। उस प्रिंसिपल का नाम है लाइक क्योर्स लाइक। आम भाषा में यह मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है जिसमें दस्त, उल्टी, पेट में दर्द ऐसे लक्षण दिखने लगते हैं, तो उन लक्षणों को ठीक करने के लिए एक होम्योपैथिक दवा जिसका नाम आर्सेनिक है उसका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये दवा स्वस्थ मनुष्यों में ऐसे ही लक्षण पैदा करती है। यह अजीब लगता है और विश्वास करना भी मुश्किल है, लेकिन विज्ञान को हमारे विश्वास से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस डॉक्टर की खोज ने उस वक्त के वैज्ञानिकों के दिमाग में भी दस्त और पेट में दर्द दे दिया। इन होम्योपैथिक सिद्धांतों की खोज वैज्ञानिकों के लिए इतनी अनोखी थी कि आज भी उन्हें पचा पाना मुश्किल है। यह बिल्कुल ठीक ऐसा है जैसे कि न्यूटोनियन फिजिक्स का साइंटिस्ट क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों को पचा नहीं पाता, लेकिन इससे क्वांटम फिजिक्स पर क्या फर्क पड़ता है? इस डॉक्टर ने पाया कि डाइल्यूटेड नैनो डोजेस की दवाओं से बीमारियों का इलाज करना बहुत बहुत प्रभावी होता है। माइक्रोस्कोप के बिना उन्होंने 18वीं शताब्दी में एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा यह निर्धारित किया कि किसी पदार्थ को डाइल्यूट करते करते अगर उसके मूल अणु ना भी बचे पर फिर भी जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसकी चिकित्सा शक्ति बरकरार रहती है। वही सब्सटेंस डाइल्यूटेड फॉर्म में मानव शरीर में अलग तरह से प्रभावी होता है, अलग तरीके से काम करता है। पूरे चिकित्सा जगत में इस डॉक्टर की खोज से हाहाकार मच गया और उस वक्त के धुरंधर साइंटिस्ट ने इस खोज को बकवास घोषित कर दिया। उनके प्रयोगों को काल्पनिक बताकर बिना किसी जांच के रिजेक्ट कर दिया गया। चिकित्सा जगत में झंझावात लाने वाले इस जीनियस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर सैमुअल हैनिमन। किस लोहे का बना था यह इंसान जिसके ऑब्जर्वेशंस 250 साल बाद भी कायम है? पूरे सिस्टम के अगेंस्ट जाकर लोहा लेने वाले इस जीनियस को हमारा हार्दिक प्रणाम। डॉक्टर हैनिमन ने बोला था सेपेरे ऑडी, दैट मींस डेयर टू नो, जानने की हिम्मत रखो।
वो एक दिग्गज थे जिनको 14 भाषाओं का मास्टरी था। वो एक अल्केमिस्ट थे, वो एक वैज्ञानिक थे। उस वक्त के साइंटिस्ट ने डॉक्टर हनीमन की हंसी उड़ाई, उनकी नैनो मॉलिक्यूलर चिकित्सा पद्धति को रिजेक्ट कर दिया और उल्टा उन पर केस चलाया, उनको क्वैक बोला और उन्हें मौत की धमकियां मिलती थी। क्यों मिलती थी? क्योंकि उन्होंने सत्य की खोज करने का पाप जो कर दिया था। डॉक्टर हनीमन को यूरोप में एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ा और उन्हें हजारों लोगों की जान बचाने की सजा भुगतनी पड़ी। तब से लेकर आज तक होम्योपैथी के लिए एक्सेप्टेंस साइंटिस्ट के लिए अभी भी कंट्रोवर्शियल है। लेकिन इतने विरोध के बावजूद होम्योपैथी विश्व भर में दूसरी सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली चिकित्सा पद्धति बनी हुई है। हनीमन साहब की कहानी भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर गैलीलियो से मिलती है। गैलीलियो को रोम के चर्च की तरफ से दोषी ठहराया गया था और उनको हिंसक विरोध का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने खोजा था कि सूर्य स्थिर होता है और पृथ्वी उसके चारों तरफ घूमती है, जो कि एग्जैक्टली अपोजिट था जो चर्च ने पढ़ाया था। इस खोज ने चर्च और लोगों के धार्मिक विचारों की धज्जियां उड़ा दी थी, जिसकी सजा गैलीलियो को उठानी पड़ी और उनको 8 साल नजरबंद कर दिया गया था। डॉक्टर हनीमन ने कहा था कि डाइल्यूटेड दवाओं की हीलिंग क्षमता को हम अपने तर्कों के द्वारा कभी भी नहीं खोज सकते, इसे सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के अनुभव से ही समझा जा सकता है। होम्योपैथी सिर्फ एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस को ध्यान में रखती है। कितने मरीज ठीक होते हैं डिसाइड करेगा कि यह सिस्टम कितना इफेक्टिव है। होम्योपैथी काम कैसे करती है, ये एक नैनो और क्वांटम प्रश्न है। साइंस अभी भी इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में असमर्थ साबित हुआ है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को एक प्रयोगशाला के टेस्ट ट्यूब में सत्यापित नहीं किया जा सकता। मॉडर्न रिसर्च के तरीके आधुनिक चिकित्सा के लिए उपयुक्त हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा परावैज्ञानिक है। माइकल फेल्प्स या यूजेन बोल्ट में कौन बेहतर है? यूजेन बोल्ट की दौड़ने की क्षमता को आंकने के लिए क्या उसे माइकल फेल्प्स के साथ स्विमिंग पूल में स्विमिंग करवाना चाहिए? क्या ये वैज्ञानिक होगा? क्या ये तार्किक होगा? क्वांटम फिजिक्स लागू होने वाले क्षेत्र में न्यूटोनियन फिजिक्स के नियम असफल हो जाते हैं। मानव सिर्फ शरीर ही नहीं, शरीर मन और आत्मा का एक सुंदर गठबंधन है, जिसे डॉक्टर हनीमन ने 250 साल पहले ही समझ लिया था। इस गठबंधन को मॉडर्न मेडिकल साइंस ने हाल में ही साइको न्यूरो इम्यूनो एंडोक्राइनोलॉजी का नाम दिया है। पर नाम में क्या रखा है? नाम बदलने से किसी भी सिद्धांत का ओरिजिनल नेचर तो बदल नहीं सकता, वो वैसा ही रहता है। होम्योपैथिक दवाइयां नैनो डाइल्यूशंस हैं, तो फिर होम्योपैथी को साइंस कहना कहां तक तर्कसंगत है? होम्योपैथी इज नॉट साइंस, इट इज नैनो साइंस। साइंस इज अ पार्ट ऑफ होम्योपैथी। सैकड़ों रिसर्चेस हुई हैं होम्योपैथी में, जो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स के हिसाब से भी खरी उतरी हैं। आप उन्हें hhf.net.in पर रिसर्चेस में जाकर देख सकते हैं। होम्योपैथी की सूक्ष्म दवाओं का प्रभाव स्थूल शरीर से ज्यादा मनुष्य के सूक्ष्म मन पर होता है। सूक्ष्म मानसिक तनाव मनुष्य के शरीर में नैनो सिग्नल्स पैदा करते रहते हैं और फिर रोगों की शुरुआत होती है। होम्योपैथिक नैनो डाइल्यूशंस इन नेगेटिव नैनो सिग्नल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और ये नैनो डाइल्यूशंस होलिस्टिक हीलिंग को ट्रिगर करते हैं। रोग एक, दवाएं अनेक, लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी, ये होम्योपैथी का एक बेसिक सिद्धांत है। दो
दो स्त्रियां, एक पुरुष और तीनों को माइग्रेन है। तीनों के मानसिक तनाव अलग अलग और उनके रिएक्शंस अलग अलग हैं। दोनों स्त्रियों के पतियों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। एक स्त्री बोलती है, डॉक्टर साहब शायद मैं ही दिखने में अच्छी नहीं हूँ, इसीलिए वो किसी दूसरे के साथ में है। दूसरी स्त्री, डॉक्टर साहब मेरी सास मेरा सरदर्द है, वो इतनी नालायक है, इतना गंदा बोलती है मेरे बारे में, मेरा मन करता है कि मुझे किसी दिन मौका मिले तो इसको मैं पेड़ से बांध कर मारूंगी। पुरुष, सर मेरे बॉस ने मुझे हेडेक दे करके रखा हुआ है, ही इज माई हेडेक, मुझे इतना जलील करता है, इतना डिसरिस्पेक्ट करता है मेरा इतनी इंसल्ट करता है जूनियर्स के सामने, और मैं कुछ नहीं बोल सकता, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो फिर वो मेरा प्रमोशन रोक देगा। इन तीनों केसेस में तीन अलग अलग टाइप के टॉक्सिक नैनो सिग्नल्स या टॉक्सिक मानसिक तनाव है, और इन तीनों की अलग अलग होम्योपैथिक दवाइयां हैं। मित्रों, इसलिए बोले नमस्कार नहीं बोलना, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, और एक बार और नमस्कार नमस्कार, एक नमस्कार एक्स्ट्रा है इस बार, नमस्कार। ये डॉक्टर सुनील वांडे हमारे प्रिय मित्र, हमारे एचएचएफ के एक खंबे फलंदाज, एक अच्छे फलंदाज, खंबा होता है ना बिल्डिंग का, हाँ, इस बनाता खंबा साथ है चचेर। एब्सोल्युट। तो हम थ्री नाइस मैन, और ये रेमेडी हमने जरूर इसके लिए बाजू में रखी थी कि इनकी जुबानी सुनो तो समझो ये रेमेडी क्या है। मतलब अगर ये रेमेडी आपको सुननी है तो इस जुबान से ही सुननी है, जैसे कुछ गाने होते हैं लता मंगेशकर की आवाज में सही लगते हैं, है ना, बाद में रिमिक्स भी होते हैं लेकिन मजा नहीं आता, मजा आया जो उस जिस आवाज में जिसने निकलनी थी वो आवाज में सुनने के लिए। तो जैसे आज, मतलब ऐसे ये नहीं है कि भैया हर एक या तो स्टॉलवर्ड उसको हर एक रेमेडी आती है, मतलब अगर मुझे कहो भैया मुझे सब रेमेडी आती है, ऐसे नहीं है। हाँ, मतलब समझता हूँ लेकिन मेरा उस पर हाथ नहीं है। कुछ लोग ऐसे, अभी जैसे एसकेडी है फॉस्फरस, हम लोग इसको रोकना पड़ता है, बस फॉस्फरस मत बताया। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी दवा का फील ऐसा स्ट्रांग उसके ऑथर को या उसके प्रिस्क्राइबर को आ जाता है कि वो रात को सोते टाइम में उसको सुबह के टाइम पता चल जाता है कि आने वाली है, हाँ, ये दवा और ठीक है ना। तो उसी तरीके से आज की जो दवा है ये इनकी बहुत ही पेट और फेवरेट दवा है, तो ये पेशेंट जैसे ही वेटिंग रूम में या फोन आने वाला होता ना तब ये सूंघ लेते हैं कि वो ये दवा है। कौन सी दवा है? थोड़ा ज्यादा हो रहा है। हेलो, कौन सी दवा है? कौन सी दवा? वो पता चलेगा। तो ये दवा है बड़ी कड़वी दवा है, मतलब मैं ये नहीं कहता आदमी अपना बड़ा स्वीट है लेकिन दवा कड़वी है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें जब ये रेमेडी, ये पहली रेमेडी है होम्योपैथी की,
होम्योपैथी की पहली रेमेडी, और होता यूं है कि हम बाकी की रेमेडी पहले समझते हैं और ये रेमेडी बाद में आती है। ये रेमेडी को समझ, इस रेमेडी की समझ बाद में आपने को आती है। तो ये रेमेडी है चाइना सिंकोना ऑफिसिनेलिस, ठीक है। ये पहली रेमेडी जो हनुमंत सर ने डिस्कवर करी थी, जहां से होम्योपैथी का जन्म हुआ, जहां से ये पता चला कि ये सिंकोना बर्क खाने में अगर आप खाएं तो बहुत कड़वी होती है और वैसी ही कड़वाहट इसके सिम्टम्स में दिखती है। जैसे इसको फीवर है, मलेरियल फीवर है, इसके लिए यूज की जाती थी, तभी मुंह में कड़वापन, बिटर टेस्ट इन माउथ, ऐसे के रूप रेखा ना, इवन वाटर टेस्ट बिटर, इवन वाटर टेस्ट बिटर, स्वीट टेस्ट बिटर, ऐसे रूब्रिक्स है कि पानी भी पियो तो कड़वा लगता है, मीठा भी खाओ तो कड़वा लगता है। तो ये बिटरनेस की रेमेडी, और अगर इसकी अगर जिंदगी देखे, इसके अगर मेंटल सिम्टम्स देखे, तो उतनी ही कड़वाहट इसमें भरी पड़ी। मतलब ये होम्योपैथी यहाँ से चालू हुआ इस दवा से, और मेरे ख्याल से क्लोरोक्विन जो मलेरिया में यूज होता है आजकल, ठीक है ना, वो क्लोरोक्विन भी जब देते हैं तो भी वो इतना कड़वा होता है, पेशेंट को उसके साथ एंटासिड देना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग एंटासिड देना पड़ता है, राइट राइट। तो इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करनी है कि हमें अपनी क्लिनिक में अपने पेशेंट्स में ये कैसे ऐसे देने को आनी चाहिए। चाइना सुबह दोपहर शाम कैसे देंगे, ये हम चाहते हैं कि हर एक होम्योपैथ को वो कॉन्फिडेंस है कि चाइना ऐसे दे, ठंडी लग रही है, मुंह कड़वा है और मलेरिया है, इसीलिए चाइना देना गलत है, ये नहीं कहता मैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं है, इससे भी बहुत कुछ है चाइना, इससे भी बहुत सारी चीजें है चाइना में जो हमें समझनी जरूरी है। वो आप तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ पे पहुंच गए नासिक जहां से हमने सीखा है, हमने सोचा कि उनके मुंह जुबानी आपको ये रेमेडी हम सुनवा दें, ठीक है, बोले तो अरे उन्हें भी बोल दो, नहीं सबको पता चले कि आप लोग देखो नासिक आ गए उस चक्कर में नहीं जब माइंड प्रैक्टिस करते थे ना, तब कई बार ऐसा खुद को अखरता था कि यार होम्योपैथी का पहला दवा जिससे होम्योपैथी का जन्म हुआ वो दवा हमें यूज करने नहीं आती है। एक 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ जब ये मैंने पहली बार यूज की, उसके पहले हमेशा एक फीलिंग था कि हम लोग बहुत सारे कॉमन पॉलीक्रेस तो जानते हैं, नक्स है, लैको है, सल्फर है, आर्सेनिक है, पल्सेटिला है, लेकिन चाइना यार उतना लेफ्ट हैंड ड्रग नहीं है, यानी मैं आराम से दे सकता, तो ये हमेशा एक अखर रही है। और जब इस ड्रग को समझ में आया, जैसे योगेश ने बोला कि बिटरनेस, ये जब बिटरनेस समझोगे ना, चाइना और बिटरनेस ये दोनों सिनोनिम, एक कॉइन के दो बाजू, लेकिन ये बिटरनेस उसकी जिंदगी में और उसके हर हाव भाव में और उसके रहन सहन में अगर समझ में आया ना, तो चाइना देना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप लोगों को मजा आएगा। तो सबसे पहली चीज जो अगर आप एचएचएफ स्टाइल से जा रहे हो, अगर पहला रूब्रिक हम लेने जाए तो डिल्यूजन हिंडर है ना, डिल्यूजन हिंडर, हिंडर एट चाइना है और कौन सा है वो टॉर्मेंट में, चाइना ही है, चाइना ही है, सिर्फ चाइना है। बहुत बढ़िया एडिशन है, एडिशन है कैंट साहब का, बड़े अब्बा का एडिशन है, कैंट साहब का एडिशन है। और वाकई में ये हिंडर क्या होता है ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। मतलब अभी डिस्कशन हो रहा था तो वीडियो बनाने के पहले ही सुनील सर चालू हुए, वो था वो बोला अरे रुक जाओ कैमरा चालू करता हूँ फिर बोला हाँ, तो हिंडर को डिफरेंशिएट किस किस के साथ करेंगे कि आपको डिस्टर्बेंस होता है, डिस्टर्ब्ड अवर्स टू बीइंग डिस्टर्ब्ड, ये रूब्रिक है। इंटरप्शन है एंगर इंटरप्शन फ्रॉम, तो इंटरप्शन क्या होता है और फिर आता है ये हिंडर। थोड़ा सा कंपैरिजन में समझेंगे तो तीनों रूब्रिक थोड़े क्लियर होंगे। सुनील सर यस, हिंडर का डिक्शनरी मीनिंग निकल, हिंडर का डिक्शनरी, अभी अगर अभी फिलहाल हम लोग मंथन सीरीज कर रहे हैं HHF Academy के प्लेटफॉर्म से, हम लोग बेसिक वेबिनार सीरीज चल रहा है, तो मंथन वन में मयूर ने रूटा लिया था, तो रूटा में भी पूरा थीम हिंडर का था और बहुत ब्यूटीफुली मयूर ने हिंडर एक्सप्लेन करके कई केसेस दिखाया।
तो हिंडेड वॉज वन ऑफ द मेजर क्रक्स ऑफ रूटा. वैसे ही अभी जो मंथन थ्री हुआ एक दो दिन पहले, तो उस वक्त मैंने भी इस हिंडेड के कुछ केसेस दिखाए, आपने देखे होंगे, कुछ लोगों ने जिन्होंने देखे होंगे. तो इसमें भी थोड़ा सा फाइन शेड है, हिंडेड एट वर्क. तो हिंड्रंस को समझना पड़ेगा, हाइंड्रंस को समझना पड़ेगा. हाइंड्रंस क्या होता है? हाइंड्रंस का हम लोग कैसे समझते हैं? एक ऑब्स्टेकल है, एक क्या बाधा है. हम लोग बचपन में जो खेला करते थे ऑब्स्टेकल रेस, क्या बाधा दौड़ होती ना, बाधा दौड़, एथलीट्स के आगे एक वो डंडा लगा होता है इस तरीके का, एंड जंप्स, ही जंप्स. डिक्शनरी मीनिंग समथिंग दैट इंटरफेयर्स विद एक्शन और प्रोग्रेस, एनी ऑब्स्ट्रक्शन दैट इंपेड्स और इज बर्डनसम, द एक्ट ऑफ एंटरिंग, ऑब्स्ट्रक्टिंग और इंपेंडिंग. हिंड्रंस में क्या होता है? इंटरफेरेंस आता है, रुकावट है, बाधा है. तो कई बार पेशेंट बोलता है ना कि सर मैं ये काम कर रहा हूं लेकिन इसकी वजह से ये मैं कर नहीं पा रहा हूं, रुकावट आ रही है. सरदर्द हो रहा है सर, लेकिन सरदर्द हो रहा है तो मेरा एग्जाम है 8 दिन बाद और सरदर्द की वजह से मैं एग्जाम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं. अभी अगर यही मंथन में मैंने जो केस दिखाया छोटी बच्ची का, तो वो केस अगर आप देखोगे तो आपको इंटरेस्ट समझ में आ जाएगा. उस बच्ची को क्या था कि शी वॉज सफरिंग विथ सीवियर डिसमेनोरिया, और इतना सीवियर कि शी वॉज हैज टू बेड रिडन, टेक अ लीव फ्रॉम स्कूल. तो उसके 9th में 3 पेपर वो दे नहीं पाई बिकॉज ऑफ सीवियर डिसमेनोरिया. अभी उसको डर क्या है कि 10th का बोर्ड है, 9th में तो चल गया. अभी जो केस मैंने इस मंथन में दिखाया, तो अगर 10th बोर्ड में भी उसी वक्त पीरियड की डेट आ रही है और उसी वक्त पीरियड आ गया और डिसमेनोरिया हुआ और 10th बोर्ड के पेपर मिस हो गए, मैं तो फेल हो जाऊंगी. तो बीमारियां कहीं ना कहीं बाधा ला रही है, इंटरफेरेंस ला रही है. जो सुनील ने पहली बार चैनल लिया था, अभी वो जो एक सर्दी का केस था, मेरे हिसाब से वो कुछ साइकिल मैकेनिक था, वो अभी मंथन में दिखाया मैंने अभी. हाँ, साइकिल मैकेनिक था और उसको सर्दी, अरे सर्दी है, सर्दी होती है, छींके आती है, नाक पोंछते हो, उससे कैसे हो सकता है इंटरेस्ट? तो सर ये अगर सर्दी ना हो तो एक घंटे में 10 साइकिल ठीक कर. एग्जैक्टली, मैं जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाया सर इस जुकाम की वजह से. अच्छा, मैं ऐसा सोचा था यार तू क्या मर्सिडीज रिपेयर करता साइकिल छोड़ के. लेकिन वो उसका फील है कि ये बीमारी मुझे बाधा ला रही, मेरी तरक्की में बाधा ला रही. एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप में से बहुत सारे लोग सोचोगे ये तो हर एक मरीज बोलेगा. एग्जैक्टली, ऐसा नहीं है. मरीज हमेशा एक अपना एक कंसर्न लेकर के आपके पास में आता है, और ऐसा जरूरी नहीं कि सारे जुखाम खांसी वाले यही चीज बोलेंगे कि मेरे काम में बाधा आ रहा है, मैं कल नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे काम में डिस्टर्ब हो रहा है. हर कोई नहीं बोलेगा, हर एक अपना अपना कंसर्न होता है. कोई अपनी फैमिली को लेकर कंसर्न होगा, कोई अपने पैसे जॉब को लेकर के कंसर्न होगा कि सर मैं जॉब अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी वजह से हो सकता है कि मुझे फायर कर दिया जाए, ये उसका कंसर्न हो गया. मेरी फैमिली को कहीं जुकाम खांसी ना हो जाए, आजकल कोरोना चल रहा है, उसका अलग केयर हो गया. ये तो अलग अलग कंसर्न है, और पेशेंट आपको अपना कंसर्न क्लियर कट स्वतः खुद से बताता है. जैसे वो बहुत प्राइम, जैसे प्लैटिना में हमने दिखाया कि प्लैटिना पेशेंट ऐसे बोल ही नहीं सकता है कि उसको पूछा ये बीमारी की वजह से आपको क्या दिक्कत है, तो बोलेगा ही नहीं कि मुझे इसकी वजह से दिक्कत है, मेरा काम रुक रहा है. कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, मैं मतलब मेरा थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ तो थोड़ा दर्द होता है, लेकिन मैं सब करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सब करता हूँ, कुछ नहीं हटता. तो हर पेशेंट की अलग अलग एक्सप्रेशन होती है. आपके पास कोई दवा हो तो दे दो. अभी मंथन टू में भी आपने देखा होगा नक्सोमिका हुआ, तो नक्सोमिका में भी वही चीजें है ना, लेकिन फिर वो नक्सोमिका का इंटरप्शन क्या है? जैसे आलोक ने अभी बोलते बोलते सर ये मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो अक्सर देखा जाता है कि बेसिकली आप क्लिनिक में जब बैठते हो तो आपको दिक्कत आती है कि ये डिस्टर्ब एवर्जन है, ये इंटरप्शन है या ये हिंड्रंस है. पहला कंप्लीट करते हैं कि वो जो बंदा बोल रहा था कि मैं साइकिल मैकेनिक हूं और जुकाम की वजह से मैं जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाया, तो ये सिर्फ एक से नहीं होता है, उसके साथ कितने से जुड़ रहे. अनफॉर्चुनेट फीलिंग होता है चाइना में, फिर उसके साथ डिल्यूजन, ही इज फॉलिंग बैकवर्ड का कुछ तो भी एक रूपरिक है. तो ये ऐसे एक पैकेज बनता है. तो हिंड्रंस के साथ उसको लग रहा है मैं जिंदगी में पीछे पड़ रहा हूं, मेरी तरक्की नहीं हो पा रही है, मैं अनफॉर्चुनेट कम नसीबी हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर ये सब चीजें उसमें बिटरनेस लाती है और टॉर्मेंट लाती है. तो एक चीज का थ्रेड हम पकड़ते हैं तो उसके साथ कितनी चीजें जुड़ रही है. हिंड्रंस के साथ इम्बिटर्ड फीलिंग भी आ रही है, टॉर्मेंट भी आ रहा है, फॉलिंग बैकवर्ड भी आ रहा है, अनफॉर्चुनेट भी आ रहा है, और फिर उसका एंगर, इरिटेबिलिटी, ऐसा बहुत बड़ा चक्कर चलेगा. रॉन्ग सफर्ड में भी है ना, रॉन्ग सफर्ड में भी है ना. सर्दी से तुम रॉन्ग सफर्ड हो जाओगे तो कैसे चलेगा यार? तो राम सपड़ का वही तो क्रक्स है ना कि तेरी गलती की वजह से मैं भुगत रहा हूं, तो वो दूसरों को दोष देता है कि ये बीमारी की वजह से मैं तरक्की नहीं कर पाया. ये चाइना का क्रक्स है ना. राम सपड़ में आप हमेशा सामने वाले को दोष देते हो. जो जो भी रॉन्ग सपड़ नहीं समझ में आ रहा है
तो हमारी तीन एसमिन की हायर साइमस की रेमेडी देखो, उसकी लिंक यहाँ पे ऊपर दिखेगी आपको, ठीक है। यस, आगे रॉन्ग सफर्ड, रॉन्ग सफर्ड हो गया, तो ऐसे रॉन्ग सफर्ड भी हो जाता है, हिंडर्ड हो जाता है, और सर्दी जैसी चीज हो, डिस्मेनोरिया, अभी डिस्मेनोरिया हर एक लड़की को जब पीरियड्स आते हैं थोड़ा पेट में दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन उससे कितनी हद तक आप इफेक्ट हो जाते हो ये हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना अंडरस्टैंडिंग है, अपना अपना परसेप्शन है। हाँ, तो उस बात पे आते हैं कि डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस में क्या होता है, डिस्टर्बेंस में भी रुकावट है, इंटरप्शन में भी रुकावट है और इंटरेस्ट में भी रुकावट है, इसलिए कई बार डिक्शनरी हमें उलझाती है। तो मैं कुछ डे टू डे एग्जांपल दो तीन देने की कोशिश करूंगा जिससे आपको फील आएगा। अगर यहाँ पे कुछ सीनियर्स लोग हैं तो वो समझ पाएंगे कि हम लोग जब छोटे थे तब ये इतना केबल टीवी नहीं था, एक नेशनल चैनल हुआ करता था, बड़े बड़े एंटीना हुआ करते थे। मुझे अभी भी याद है छाया की चित्रहार हम लोग देखा करते थे, हफ्ते में दो बार चलता था, हम लोग छोटे छोटे सामने बैठ जाते थे पालथी मार के। तो कई बार क्या होता था कि उसमें नेटवर्क का प्रॉब्लम होता था और वो नेटवर्क खराब हो जाता था, एंटीना होता था ना वो मछली के कांटे जैसा, हवा से हिलता था, हवा से हिलता, तो वो स्क्रीन पे ना छोटी 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 स्पॉट्स आते, मुंगी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन ऐसा डिस्टर्ब होता था, उठा दिया था, स्क्रीन डिस्टर्ब होता था। तो सामने राजेश खन्ना गाना गा रहा है कि देवानंद गा रहा है कि धर्मेंद्र गा रहा है ये भी नहीं समझता था, लेकिन गाना चल रहा था और हम लोग हिलते नहीं थे। ये होता है डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस में क्या होता है, प्रोसेस रुकती नहीं है लेकिन आपको दिक्कत होती है, लेकिन आप उसके साथ चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं और एसकेडी कुछ काम कर रहा है तो मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन मेरा काम नहीं रुक रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। या फिर हम लोग फोन पे बात करते हैं और किसी का फोन आता है तो मैं बोलता हूँ एक मिनट यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइज है, डिस्टर्बेंस है बहुत सारा, मैं बाहर आता हूँ। तो ये होता है डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस में प्रोसेस रुकता नहीं। और इंटरप्शन में क्या होता है, अचानक नेटवर्क चला जाता है, आप लोग हाईवे से ड्राइव कर रहे हो, कभी नेटवर्क कम रहता है तो आवाज कम आती है, आप जोर जोर से बात करते हैं, ये डिस्टर्बेंस है। और अचानक कुछ फेज के लिए नेटवर्क चला जाता है, वो इंटरप्शन होता है, प्रोसेस टूट जाती है, इंटरप्ट हो जाती है, रुक जाती है। वही टीवी का एग्जाम्पल दूंगा, छाया की चित्रहार वाला, मुझे अच्छी तरह से याद है, और हम लोग बैठ के बैठा करते थे बहुत आशा से हफ्ता भर रहा देखते हुए, और अचानक टॉ आवाज आती थी और वो व्हाइट स्क्रीन आता था, रुकावट के लिए खेद है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ऐसा ही लिखा रहता था, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हमारा जो नक्सोमेगा का वीडियो है उसमें यही चीज हमने ना डाली हुई है, उसकी लिंक यहाँ पे आपको मिलेगी। अभी रुकावट के लिए खेद है, कंटिन्यू। अभी इंटरप्शन में क्या हुआ, सुनील सर का जो कंटिन्यूएशन था रुका कुछ देर, रुका क्योंकि मैंने उसको यही एग्जांपल दे रहा हूं आगे, इसलिए मैंने रुकावट डाल दी बीच में। वो जब सॉरी फॉर इंटरप्शन का बोर्ड आता था ना तो हम लोग छोटे छोटे वहां से कोई भी पालथी डाल के बैठा ना उठ के नहीं जाता, क्योंकि पता था कि ये जाएगा और फिर गाना शुरू होगा। Yes, तो इंटरप्शन के बाद भी उम्मीद होती है कि ये प्रोसेस शुरू होगी। आप जब हाईवे से चल रहे हो और रेंज जाती है तो आपको पता है आगे आने वाली है, उस पीरियड के लिए इंटरप्शन रहता है। और इससे आगे की बात क्या है, हाइंड्रेंस में क्या होता है, आपको लगता है कि किसी ने जानबूझ के मेरी लिंक काटी है। फॉर एग्जाम्पल आपका आपके पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है कभी, वो पड़ोसी जाके उस एंटीना का वायर ही काट दिया, वो बोलता है हमारे टेरेस पे आ रहा है, वायर ही काट दिया उसने, आपने बिल पे नहीं किया तो नेटवर्क वालों ने बिल पे कर, आपका नेटवर्क कनेक्शन कट कर दिया, आउटगोइंग इनकमिंग। अरे मैंने तो पूरा बिल पे किया है फिर भी कैसे काटा, ये रॉन्ग सपोर्ट, ये रॉन्ग सपोर्ट हो गया। तो इंटरप्शन से आगे हैंड्रस ऑफ चाइना, स्पेशली हैंड्रस एट वर्क के वर्ड यानी काम धंधे में, उसको ऐसा लगता है कि इसकी वजह से, इस बीमारी की वजह से या इस हालात की वजह से मैं तरक्की नहीं कर पाया और ये सामने वाले ने पर्पजली किया है या इंटेंशनली किया। कड़वाहट कब आएगी, जब आप अंदर से गुस्सा कैरी करोगे। सबसे ज्यादा गुस्सा अगर देखा जाए तो बहुत सारे ड्रग्स के साथ साथ चाइना टॉप में चलेगा, एंगर इरिटेबिलिटी। यस यस, मतलब दिस इज हाई ड्रग्स, कुछ एंगर इंक्लाइन टू वेक्स अदर, एग्जैक्टली वेक्स अदर, मतलब जानबूझ के ऐसी बात बोलेगा कि सामने वाला ऊब जाए, परेशान हो जाए, गुस्सा हो ये। सो बॉटम लाइन वही है कि सामने वाले ने इंटेंशनली ही हैज हिंडर्ड माय प्रोग्रेस, ऐसा एक डिक्शनरी लाइन आता है, यानी इसकी वजह से मैं जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाया। तो हैंड्रस में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, लेकिन बहुत सारे ड्रग उन बाधाओं को पार करते हैं, रूटा हैप्पीली लेके चलता है, दिक्कत तो है लेकिन उसको ओवरकम करने की कोशिश करता है, चाइना रुक जाता है और फिर वो गुस्सा एंगर कैरी करता है, बिटरनेस कैरी करता है।
एंड्रेस के बारे में कुछ नहीं, बस सुनील सर ने आई सपोज डिस्टरबेंस इंटरप्शन और हिंड्रेंस ये अच्छे से ये कर दिया। अभी मेरे पास एक एक यंग लड़की थी और वो मेरे पास मतलब पीरियड्स की ही प्रॉब्लम लेके आती थी कि पीरियड्स बहुत हेवी है, बहुत फ्लो जा रहा है, बहुत ये हो रहा है। बोला क्या प्रॉब्लम क्या है? बोले कुछ नहीं, कुछ चल रहा है ऐसा ऐसे। बोला कुछ तो प्रॉब्लम है, कौन है जो आपको तंग कर रहा है या तो क्या चीज़ है आपको परेशान किया जा रहा है? तो बोले सर क्या ऑफिस में है, ऑफिस में मतलब जो कलीग्स है तो उसमें एक उसकी लेवल का जो है वो जानबूझ के उसके हिसाब से वो करता है नहीं करता आपको मालूम नहीं, मेरे को मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं, जितना करता वो ऑफिस में हर एक ऑफिस में होता है, वो जानबूझ के सर के सामने कुछ ऐसे करता है या सर को कुछ ऐसे बताता है बोलता है, सर मेरे पे गुस्सा हो जाते हैं और वो मुझे मेरा जीना हराम कर रखा है मेरे ऑफिस में मुझे। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, बड़ी चिड़चिड़ाहट होती है, मतलब ये पीरियड पीरियड होते हैं तो मुझे हर चीज पे गुस्सा था, इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरी। अब इसका ऑफिस में काम बराबर से करना, उसका ऑफिस था वो जो होता है ना कहा दुबई वुबई में जाते हैं वो लोग की प्लेसमेंट करते हैं ना, वो काम था और इसका काम था इंटरव्यू लेना और वो लोग को सॉर्ट आउट करके वो फॉरवर्ड करना कि भैया इतने लोग आपके हॉस्पिटल के लिए या तो आपके जॉब के लिए हमारे पास है और इतने लोग हम लोग भेजते हैं यहाँ से वीजा वीजा करा के भेजना, ये काम उसका था। अब उसके साथ में जो था वो उसकी गलतियां निकालना, उसने क्या गलत किया ये बॉस को बताना और बॉस से उसको डांट पड़वाना, ये काम में लगा हुआ और इसके कारण से इसको ये लगता था कि अरे यार इसने मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे ढंग से काम नहीं करने दे रहा, ये हिंडर नेटवर्क। और बोले इसने मेरा जीना हराम कर रखा है, मतलब रोम सफर तो आ ही गया, हिंडर नेटवर्क आ ही गया, इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग आ ही गया और ये बोले इसने जीना हराम कर रखा है, मतलब मुझे ऑफिस जाना है तो टेंशन हो जाती है कि अरे अभी बाप रे अभी ऑफिस जाए अभी फिर वो नारायणगिरी करेगा। तो ये है टॉर्मेंटेड डिल्यूजन, टॉर्मेंटेड डिल्यूजन, टॉर्मेंटेड इज में बंदे काफी कम है, तीन है, इसमें एक चाइना है, एक लाइसिनम है और दूसरा आप कौन आ गया, तीसरा कौन है, एक्वामरीना। तो थोड़ा सा टॉर्मेंट भी समझना जरूरी है, अगर थोड़ा सा एक लाइन में अगर लाइसिन के साथ में उसको डिफरेंशिएट कर दो तो हमारे सब श्रोता खुश हो जाए। टॉर्मेंट में क्या होता है कि टॉर्मेंट में एक छल है, यानी मुझे सामने वाले ने छल कर रहा है मेरे साथ, छल यानी वो धोखे वाला छल नहीं, क्या कहते हैं हिंदी में, मराठी में भी उसके लिए वर्ड है छल। अगर परसिक्यूशन का शाब्दिक अर्थ आप पुराने वीडियोस में देखेंगे तो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, परसिक्यूशन मतलब होता है कि हैरान परेशान कर देना, और टॉर्मेंटेड का जो शाब्दिक अर्थ होता है यातना देना, यातना, एक्सट्रीम परसिक्यूशन, एक्सट्रीम परसिक्यूशन इज, एक्सट्रीम परसिक्यूशन इज अ एग्जैक्ट वर्ड फॉर टॉर्मेंटेड, एक्सट्रीम परसिक्यूशन, सामने वाला मुझे इतनी यातनाएं दे रहा है, इतनी वेदना से ऊपर है यातना, इसमें बहुत ज्यादा भुगतना है। रॉन्ग सफर्ड में भी उतना इंटेंसिटी नहीं है, टॉर्मेंट में बहुत ज्यादा इंटेंसिटी और थोड़ा सा इनजस्टिस की भी फीलिंग होती है, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, क्योंकि ये टॉर्मेंट वर्ड शब्द अगर आपको याद हो, अगर आपने न्यूज़पेपर्स पढ़े होंगे या स्टोरीज पढ़ी होंगी तो उसमें गरीबों को टॉर्मेंट करते थे रिच लोग या जमींदार लोग, जमीन भी ले ली, पैसा भी ले लिया और छल जैसा बोला, पूरा एक्सप्लॉयटेशन कर लिया और उसको खाने के लिए भी नहीं दे रहा अभी और गांव से भी निकाल दिया उसको, ये टॉर्मेंट में कैसा है कि टॉर्मेंट में आपको एक कंटिन्यूस ऐसा लगता है कि मेरे साथ बहुत गलत भी हो रहा है और मेरे साथ बहुत दिक्कत भी हो रही है। एक सिंपल एग्जांपल दूंगा तो रेमेडी क्लियर हो जाएगी, कि कोई अगर हस्बैंड है एक्स्ट्राऑर्डिनरी डोमिनेट है और बहुत क्रूएल है, हार्ड हार्टेड है, वो उसकी बीवी को अगर दिन में 30-40 बार पीटता है, इतना कुछ लोग होते हैं ऐसे कि बेल्ट से मारेगा, चप्पल से मारेगा, बेंच से मारेगा या लकड़ी से मारेगा तो लकड़ी टूट जाएगी, स्टम्प टूटा ऐसे बताते, ये क्या होता है, ये भी एक टॉर्मेंट है। तो लाइसिनम का वो है फिजिकल एब्यूज, तो लाइसिनम में क्या होता है कि टॉर्मेंट फ्रॉम आउटसाइड, एक लाइनर सर ने बोला तो एक लाइनर में टॉर्मेंट ऑफ लाइसिनम इज फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से एक्चुअल में टॉर्मेंट है एब्यूज इन मैरिज रूबरी के लाइसिनम में, तो ऐसा कि बाहर से टॉर्मेंट फ्रॉम आउटसाइड इज लाइसिनम और टॉर्मेंट फ्रॉम विद इन इज चाइना।
यानी ये मेरा परसेप्शन है कि ये मुझे तंग कर रहा है, ये बेचारे का शायद वैसा हो भी नहीं, लेकिन मेरी सेंसिटिविटी, ट्रेमेंडस सेंसिटिविटी होती है चाइना में, सेंसिटिविटी के बहुत रूबरी के चाइना में। अगर ये बात के सुने तो याद आ गई मोदी सर ने सिखाया, ने ये एक घाव दो टुकड़ा किया था, मोदी सर ने एक घाव दो टुकड़ा ये सेंटेंस सिखाया, ये सेंटेंस से किया था कि लाइसेनम अपने नजदीक के लोगों से और वाकई में फिजिकल टॉर्मेंट बाहर से आता है वो टॉर्मेंट लाइसेन का होता है और चाइना का टॉर्मेंट अंदर ही से होता है। अबे तुम सर्दी से टॉर्मेंट हो जाएगा तो क्या करें भाई। अक्सर आपके पास में बहुत ही कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है सर्दी खांसी का, सर्दी खांसी के कई सारे पेशेंट्स चाइना के होते हैं और आपको एज अ डॉक्टर ये फील होगा कि यार सर्दी खांसी ही तो है यार, काहे को इतना बवाल काटे पड़े हो, ये आपको अपने अंदर से फील आएगा क्योंकि वो सर्दी खांसी से इतना हैरान परेशान आपके एक्सप्रेशन उसके, अरे सर ये इसको ठीक क्या है, ये पीछे लग गया क्या, कितना हालत खराब कर दिया इसने। एग्जैक्टली वही केस था ना अभी जो मंथन में दिखाया। तो इस तरीके के जो फेशियल एक्सप्रेशन जब आएंगे ना आपके तो आपको ही लगेगा यार मुझे भी सर्दी खांसी होती है यार, इतना परेशान तो मैं नहीं होता हूँ। तो ये जो पेशेंट की जो सेंसिटिविटी है दैट इज गिविंग हिम दिस टॉर्मेंटेड फीलिंग, ये टॉर्मेंट का जो एग्जैक्ट मीनिंग जैसा हम लोग ने बताया लाइसिन का बाहर से एक्चुअल में होता है लेकिन चाइना का सेंसिटिविटी की वजह से इतना होता है कि तिल का भी उसको तार दिखता है कि अरे यार इतना कैसे परेशान कर रहा है मुझको। तो तुरंत एगेरिकस की तरफ मत जाओ कि होल स्मॉल चैजम आई पेयर लाइक ए होल, ये इनर सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी वो होती है जिससे आप रिएक्ट करते हो, सेंसिटिविटी होती है जिसकी वजह से आप फील करते हो। तो चाइना ओवर सेंसिटिव है इसलिए जैसे इसने बोला इतनी नामामूली एक रूबरिक है, बहुत बढ़िया प्यारा रूबरिक है, कल जर्नी में लिया, फियर ऑफ चिकन, मुझे बहुत पसंद है चिकन, चिकन वो छोटा सा वो। अच्छा मैं बोला खाने वो, उसका बच्चा, अच्छा उसका बच्चा ऐसा ही है ना कुछ रूबरिक है ना ऐसा डिल्यूजन फियर चिकन, चिकन क्या होता है वो मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कितने प्यारे होते हैं यार वो इतने, अरे दुनिया में अगर किसी भी एनिमल से डर सकते हो तो किसी से भी डर सकते हो लेकिन चिकन से नहीं डर सकते आप, चिकन चिकन को ऐसे यार वो बच्चा है वो क्या आपको हार्म पहुंचाएगा, लेकिन चाइना को लगता है ये भी शायद मुझे हार्म पहुंचाएगा। तो ये ओवर सेंसिटिविटी, ये हमारे स्टॉलवर्ड्स का अंडरस्टैंडिंग था, कहां जिंदगी में यार कोई पेशेंट मिलेगा जो बताएगा कि यार क्या मुर्गी के छोटे बच्चे से मैं डरता हूँ, मुर्गी के छोटे छोटे चूजे हाँ उनसे मैं डरता हूँ, कौन बोलेगा ऐसा। तो इसको मेटाफरिकली समझना पड़ता है कि इतनी अरे निरुपद्रवी चीज जो कभी हार्म पहुंचा ही नहीं सकती उससे भी आप डर रहे हो, आपको लगता है ये भी मुझे हार्म पहुंचाएगी, ये सेंसिटिविटी है। तो ये सेंसिटिविटी तो टॉर्मेंट फीलिंग तो लाएगी ना। मुझे और एक चीज चाहिए चाइना की जो आपने बतानी है, वाइटल फ्लूइड्स जो अपने हमेशा से जाने, दैट्स अ वेरी क्लासिकल एग्जांपल जिससे हम लोग चाइना में स्लाइड करते हैं। एक काम करते हैं, मुझे ना लग रहा है वाइटल फ्लूइड्स थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी है, लेकिन उससे पहले अभी हम जो बता रहे हैं ना आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे लोगों के क्वेरी आएगी कि आप बोल रहे हो यातना, बहुत ज्यादा यातना, इंग्लिश में जाता है इतना इंग्लिश, तो फिर ऑर्डियल हमने अभी सिखाया है लोगों को काली ब्रह्म में ऑर्डियल सिखाया का वीडियो तो, और आप बोल रहे हो कि चाइना भी अंदर से फील करता है टॉर्मेंटेड फील करता है ऑर्डियल में भी उसको अंदर वो खुद यातनाओं में से जाता है, तो थोड़ा सर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इनके लिए कि ऑर्डियल और टॉर्मेंटेड ये फीलिंग कैसे है, जैसे चाइना को लगता है कि दूसरा उसको टॉर्मेंट कर रहा है, कोई और बाहर की चीज टॉर्मेंट कर रही ये उसकी फीलिंग है चाइना की, ऑर्डियल में काली ब्रह्म को लगता है कि जो वो यातनाओं से गुजर चुका है उसमें से वो फिर से जाएगा और फिर उतनी से यातना ना पड़े उसी का डर है। हाँ तो देखो ये कितना सटल डिफरेंस है, और इसके लिए मैं यहाँ पे सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि सुनील सर ने बहुत बढ़िया तरीके से सेशन लिया है इसमें अभी मंथन में, तो ये वेबिनार्स है ना मिस नहीं करो, वेबिनार्स कभी भी मिस नहीं करो क्योंकि यहाँ पे जो आपको डिटेल फीलिंग सटल फीलिंग समझ में आएगी वो आपके दिमाग में छप जाएगी। तो सर प्लीज और थोड़ा सा ऑर्डियल और क्योंकि लोग कंफ्यूजन ना हो कंफ्यूजन में ना रहे। कई बार क्या होता है कि चीजें है ना थेरेटिकली बुकिश हो जाती है लेकिन जब पेशेंट के मुंह से हम सुनते हैं ना, जिन लोगों ने भी आई एम वेरी श्योर जिन लोगों ने भी कल सेमिनार अटेंड किया था वेबिनार अटेंड किया था वो लोग टॉर्मेंट को समझ चुके हैं। टॉर्मेंट में आपको अंदर से लगता है कि यार मेरे साथ परसिक्यूशन हो रहा है, मुझे तकलीफ दी जा रही है, मेरे साथ मुझे यातनाएं दी जा रही है, यातना एक अलग है और यातनाएं अलग है, मुझे यातनाएं दी जा रही है, मेरे मुझे तकलीफ दी जाती है। जीसस क्राइस्ट के साथ जो हुआ या जो बड़े बड़े लोगों के साथ जो हुआ वो टॉर्मेंट है ना, उनको तो तकलीफ दी गई ना, अन्याय हुआ तो टॉर्मेंट में, तो टॉर्मेंट और ऑर्डियल में पहला फर्क ये है कि टॉर्मेंट में कहीं ना कहीं रिएक्शन गुस्सा है रिएक्शन सिंपल है। टॉर्मेंट आप
ये मुझे कितना तंग करेगा, कभी ना कभी तो रिएक्ट करूंगा। जब मैं टॉर्मेंट में जाता हूँ ना, मैं रिएक्ट करना शुरू करता हूँ, तो टॉर्मेंट में कहीं ना कहीं अंदर गुस्सा है, अंदर तकलीफ है, और उसके साथ वो रिएक्ट कर सकता। और ऑर्डियल में क्या होता है, ऑर्डियल एक अग्नि परीक्षा है, ऑर्डियल से मैं पहले गुजर चुका हूं और उसी प्रोसेस से मुझे जाना पड़ेगा, ये सोच के ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये रोंगटे वाली बात जो है ये ऑर्डियल है। ऑर्डियल का दूसरा एक कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि मुझे इस प्रोसेस से होकर गुजरना है, अगर गुजर पाया तो पार कर लिया, नहीं तो खत्म। वो एक हिंदी में यानी थोड़ा सा कटाई और चल जाएगा, लेकिन एक शेर है कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये पास जो होना है ना, ये ऑर्डियल ऑर्डियल इस प्रोसेस से गुजरना होता है। इश्क के दरिया को मैं कंपेयर करता हूँ सुबह के टाइम टॉयलेट के टाइम। एग्जैक्टली, आप फिशर पेन के प्रोसेस से गुजर रहे हो डॉक्टर साहब, वो सोच के ही मुझे रोंगटे खड़े होते हैं, मैं तीन तीन दिन टॉयलेट नहीं जाता हूँ, इतना पेन। ये ऑर्डियल तो ये जो रोंगटे जब खड़े हो, रोंगटे तब आप डरते हो, लेकिन जब टॉर्मेंटेड में होता तो एक रिएक्शन होता, क्यों ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, गलत हो रहा है, तो ये सारी फीलिंग साथ साथ में चलती है। ऑर्डियल में और एक मीनिंग क्या है कि ऑर्डियल में अगर आप उससे पास हो गए तो आप शुद्ध हो, पवित्र हो, ये भी एक मीनिंग है कि ना, आपको अपनी सच्चाई, अपना बेगुनाही, अपना अस्तित्व, अपना वजूद या अपना प्रॉपरनेस अगर ऑर्डियल से पास करके जाओ, ये भी एक है। इसलिए तो सती यानी सीता माता की अग्नि परीक्षा भी ऑर्डियल बोला जाता है। तो उसके लिए काली ब्रह्म, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन, काली ब्रह्म का वीडियो देखिए, उसमें डिटेल में बताया है हम लोगों ने। तो चाइना के जो अक्सर जो मैंने केसेस देखे उसमें यही सर्दी खांसी इतना कॉमन है, एक जैसे पेशेंट आता है, आते ही बैठ जाता है, कुछ बोला ही नहीं, Can you look at my face? नाक लाल है, डॉक्टर साहब बहुत बहुत जुकाम, परेशान है ये। अरे यार जुकाम तो हम लोग को भी होता है ना, लेकिन इतना ऐसा क्या हैरान है? अच्छा इससे तकलीफ क्या हो रही, तकलीफ क्या है, क्या ऑफिस कैसे जाऊंगा मैं, दिन भर घर पे ही बैठ के काम कर रहा हूँ, उसमें भी ये साला बीच में। कितने सर्दी खांसी के जुकाम वाले ऐसे से कर दें, और चेहरे पे मतलब ऐसा खट्टापन, सड़ा हुआ चेहरा, चाइना को अगर देख, सड़ा हुआ चेहरा देख के, चाइना का चेहरा देख के अक्सर खुशी नहीं होती है। सड़ा हुआ चेहरा देख के वो इतना परेशान, उसके चेहरे पे ही परेशान है, फ्राउन से भी आगे है, इतना सड़ा हुआ चेहरा रहता है ना चाइना का। और फिर वो जब बात करने लगता है तो अंदर से वो बिटरनेस और वो सब निकलते ही रहता है, कड़वाहट है ना, कड़वाहट तो निकलेगी तो। और उसमें वो फिर कंप्लेन करना चालू करता है, बीवी की, बच्चे की, इसकी उसकी, सबकी, यू नो, बिकॉज दे आर हिंडरिंग हिज वर्क। ये बहुत कॉमन मिलेगा चाइना में। अभी अभी कृष्णा ने जो एग्जांपल दिया है उसके पहले का जो कोर्स है उसका, वो भी जानना जरूरी कि वो हिंड्रेंस में आता क्यों है। हिंड्रेंस में वो आएगा जिसको आगे जाना है, समझ रहे हैं बात को, मैं जा रहा हूँ ऐसे आगे बढ़ रहा हूँ ना लाइफ में या किसी भी प्रोसेस में, तो बीच में अड़चन आ रही है, तो जिसको आगे जाना होता है उसके काम में अड़चन आएगी, एम्बिशियस है। तो चाइना को हमेशा बहुत सारी चीजें करनी होती है लाइफ में, खूब सारे प्लान बनाता है, एक दूसरे का डिजायर, सोलह डिजायर, इनडेफिनेट और इनडेफिनेट, और कैसल्स मतलब हवा में महल बनाता है, मतलब उसकी कैपेसिटी से ज्यादा एम्बिशन, कैपेसिटी से ज्यादा एम्बिशन है उसकी, और वही उसके दिमाग में चलता रहता है। तो जो लोग इस तरफ सेंसिटिव होते हैं जिन चीजों के लिए, कुछ ज्यादा ही सोचने लगते हैं, ज्यादा ही प्लानिंग करते हैं पर्टिकुलर चीज के लिए, तो इस पार जा करके फिर उनको वही सी ही प्रॉब्लम होगी। ये सेंसिटिविटी और ये सेंसिटिविटी मैच करती है, मुझे बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, अरे भाई तभी तो नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, तभी तो आप बीमार पड़ते हो ना। तो चाइना इसी मुझको चाहिए चाहिए खूब, रात को सोते टाइम उसके खूब सारे, कल ये करूंगा, वो करूंगा, ये काम जाम, ये जाम, लेकिन पापा ने लैपटॉप नहीं दिया, या फिर ये सर्दी आ गई, या फिर बॉस ने उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, उसकी असिस्टेंट ने कुछ गड़बड़ कर दिया, तो वो ये यार ये लोग सारे हमेशा मेरे काम में अड़चन डालते हैं, मैं ये करना, फिर ये सेंसिटिविटी धीरे धीरे करके उसको बीमारी तक ले करके जाती है। सो दिस इज द कोर्स। अभी कोई वाइटल फ्लूइड बताएगा, सब लोग जानना चाहेंगे वाइटल फ्लूइड क्या है। यस सर, चाइना का अक्सर हम लोग मटरा मेडिका में देखते हैं ना, चाइना का पहला लाइन आता है एलिमेंट फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड। तो हम लोग उस वक्त जब पढ़ाई करते थे स्टार्टिंग ईयर ऑफ प्रैक्टिस में, तो चाइना कब देते थे कि कॉलरा है, डायरिया है, बॉडी फ्लूइड लॉस है, एक्सीडेंट है डिलीवरी के बाद वगैरह, तो हम लोग उतना ही वाइटल फ्लूइड समझते थे। लेकिन वाइटल फ्लूइड, मेरे पास एक केस था एटोपिक डर्मेटाइटिस का केस था उस बच्ची का, और उसका प्रेजेंटेशन क्लासिकल चाइना था, जहां से मैं समझा कि एंगर, इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग डिलीजन, रॉन्ग सफर, वो बोलती थी ये मेरे ही साथ क्यों, अनफॉर्चुनेट फीलिंग,
टॉर्मेंट फीलिंग, इसकी वजह से मुझे तकलीफ होती है वगैरह वगैरह, सब टिपिकल क्लासिकल था। लेकिन मैंने ऐसे ही पूछा कि ये कब से हुआ है, तो उन्होंने बताया 2-3 साल पहले से। तो मैंने पूछा 2-3 साल पहले क्या हुआ था, तो ये शुरू होने से 6 महीना पहले डेथ ऑफ अ फादर, फादर की डेथ हो गई। मैं वापिस समझा रहा हूँ कि ये रिट्रोस्पेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है, क्या फादर वाइटल फ्लूइड नहीं हो सकता? वाइटल यानी कि बहुत 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 काम की चीज नहीं, वाइटल यानी वो कि जिसके बगैर चल ही नहीं सकता है, जी नहीं सकते, वाइटल फोर्स है। यस, वाइटल फोर्स की पता है कैसे जी हो गया? वाइटल साइंस देखो, इसके हार्ट बीट्स और एग्जैक्टली, वाइटल के सिवा आप जी नहीं सकते हो। सही है, वाइटल वो वर्ड है जिसके सिवा आप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। वाइटल यानी जिसके सिवा एग्जिस्टेंस, आपका वजूद, आपका एग्जिस्टेंस, आपका सर्वाइवल ही मुश्किल है। व्हाट एन अंडरस्टैंडिंग, दैट्स व्हाट आई लव इन एचएचएफ। और वाइटल फ्लूइड सिंपल, छोड़ो डॉक्टरी, छोड़ो होम्योपैथी, छोड़ो, ले पर्सन को जाके पकड़ो रास्ते पे और पूछो इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है जीने के लिए? हवा, पानी। अरे नहीं, ले मैन क्या बोलेगा? पैसा। 100 में से 90 लोग बोलेंगे पैसा, माल है तो ताल है। कुछ 10 लोग बोलेंगे प्यार जरूरी है, लेकिन प्यार से भी पेट नहीं भरता है, 2 वक्त की रोटी जब नहीं मिलती है ना, 4 दिन बाद खाली रहते हैं तो प्यार का बुखार भी उतर जाता है। सही है। तो ऐसा, अरे लॉजिकली देखो तो वाइटल फ्लूइड है, एलिमेंट्स फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड आप कई जगह लगाओगे जहां पे लॉस ऑफ मनी है। सही। पैसे का लॉस है, बिजनेस में लॉस है, पैसा नहीं मिल रहा है, कोविड सिनेरियो चल रहा है, कितने लोगों के ड्यूटी चले गए, जॉब चले गए। अगर वो लोगों को चाइना पे गुस्सा है, कौन सा चाइना? वो वाला चाइना जहां से कोविड आया, ऐसा लोग बोलते हैं। तो उन लोगों को अगर कोविड पे गुस्सा है, इसकी वजह से मेरी बीमारी, मुझे बीमारी आई, मेरा जॉब गया, सचिव टॉर्मेंट कर रखा है ना, हाँ, ऐसा तो कितना जुड़ेगा ये, इसके वजह से कम्यूट नहीं कर पा रहे ऑफिस में। हाँ। और ये सर्टिफिकेट चाहिए वैक्सीन का, इसके बिना ये नहीं कर सकते, उसके बिना वो नहीं कर सकता, इसके बिना ये नहीं कर सकते, परेशान, जॉब चली गया, करियर बर्बाद हो गया। तो वाइटल फ्लूइड वो होता है, कहीं कुछ भी उठा के लगा सकते हो आप, पैसा लगा सकते हो, क्लोज वन की डेथ लगा सकते हो, ऐसी जो चीज जो आपके लिए लगता है कि इसके सिवा मैं जी नहीं सकता हूं, वो अगर आपकी जिंदगी से छीन जाए तो टॉर्मेंट फील नहीं करोगे यार, गुस्सा तो आएगा। और फिर कई लोग बोलते हैं ना कि सर मेरा नेचर ऐसा नहीं था पहले, लेकिन आजकल है ना जिंदगी की ये भुगतते भुगतते ऐसा हो गया कि मेरे में बहुत कड़वाहट आ गई। क्या बात, कड़वाहट आ गई है, तो वो कहाँ से कड़वाहट? उसकी शब्दों में कड़वाहट है, उसके बिहेवियर में कड़वाहट है, उसके इर्द गिर्द। चाइना का IPR चाइना से नाराज है, रहता है, उठता जाता है। सही। ये IPR की अंडरस्टैंडिंग है। तो ये पेशेंट के एक्सप्रेशन होने चाहिए, जैसे सुनील सर बोल रहे हैं ना, आप अलग अलग, मतलब ये कहना है अलग अलग डायमेंशन पे पेशेंट के एक्सप्रेशंस है। मतलब जो समझ लो कोई बंदा है जो सामने से अचानक से कोई कुत्ता आया सामने भोंकते भोंकते और डर गया बहुत, तो ये जो डर है ना, ये उसका जो कुत्ते की तरफ डर है ना, हो सकता है कि उसको छींके आए, गले में कुछ दर्द हो रहा है, तो उसके प्रति भी उसका डर होगा उसी पेशेंट का। मतलब ये अलग डायमेंशन पे जो लोग मतलब ये चीजें कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सुनील सर जो बता रहे हैं ना, वो अलग अलग डायमेंशन पे, जैसे पैसा है ना, पैसे के बिना चल ही नहीं सकता, वैसे ही अगर मेरे डैड मुझे लैपटॉप नहीं देंगे तो मेरा करियर बनेगा ही नहीं, ये वाइटल फ्लूइड हो गया, ये वाइटल फ्लूइड हो गया। फिर या फिर घर में कोई सिस्टर या ब्रदर है जो बीमार है और उसके वजह से इसको पढ़ाई करने को नहीं मिल रहा है क्योंकि वो बीमार है, हॉल में उसको सुला के रखते, उसको सलाइन लगाते, ये करते वो करते, हमेशा उसका रोना धोना उस पेशेंट का, उसके वजह से ये पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो इसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो ये फेल हो रहा है, तो इसकी आगे नहीं बढ़ पा रहा है और टॉर्मेंटेड हो रहा है। तो ये पूरी माला तैयार होनी चाहिए, सिर्फ वो वाइटल फ्लूइड का जो लॉस है, वाइटल फ्लूइड के लॉस की वजह से कई सारी दवाइयां हैं। तो ये हर एक का रिएक्शन अलग, हर एक का परसेप्शन अलग, हर एक की सेंसिटिविटी अलग। तो चाइना में पैसा ये वाइटल फ्लूइड हो सकता है, लेकिन हम एचएचएफ फॉलो के लिए पैसा ये वाइटल फ्लूइड नहीं, हमारे हमारे दोस्ती वाइटल फ्लूइड, दोस्ती है, दिल है, होम्योपैथी है, और ये होम्योपैथी और ये दोस्ती बरकरार रहे, यही सोच हम में आप में होनी चाहिए। सॉरी फॉर इंटरप्शन, बिफोर वी क्लोज, जो क्लोज दवाइयां हैं, 2-2 मिनट के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया। एक दो हाँ। जैसे नेक्सोमिका बहुत पास में लगेगी आपको चाइना के, है ना, क्या कहते हैं, और कैमोमिला पास लग सकती है, कोलोसेंस पास लग सकती है, सेंसिटिविटी को लेकर। एक दो दवा लेते हैं, नेक्सोमिका, मेरे ख्याल से नेक्सोमिका लेते हैं क्योंकि बहुत पास की, क्योंकि इंटरप्शन डिस्टर्बेंस जो है ना, वो हमने नक्सोमिका वीडियो में बताया हुआ है, वो भी इंटरप्ट होता है तो बहुत परेशान होता है, बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत गुस्सा है, लेकिन चाइना में भी गुस्सा है, बहुत बहुत गुस्सा आता है और इंटरप्ट भी होता है, राइट।
तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? नक्स ओमिका में मैं तभी एक सिंपल लॉजिक लगा था कि नक्स ओमिका ट्रेमेंडसली एंबिशियस है और फाइटर है, कितने भी हालात विपरीत हो जाए नक्स ओमिका बाउंस बैक तो करेगा ही, खुद को ऊपर उठा, गिव अप करेगा ही नहीं कभी, और चाइना गिव अप कर देगा और दूसरों पे दोष देते बैठेगा कि इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से हुआ और मैं कर नहीं पाया। एंगर इरिटेबिलिटी तो सब में दिखेगी, सब सही है, सही इसी में कहानी खत्म कि नक्स ओमिका छोड़ता नहीं, बॉयंसी नक्स ओमिका मतलब ये नहीं है कि इसकी वजह से ये नहीं हो रहा है, उसकी वजह से वो नहीं हो रहा है, ऐसे रॉन्ग सफर नहीं है। अगर इसकी वजह से मेरा काम बिगड़ रहा है तो तुम बैठो, मैं कर लूंगा और मैं अच्छे से करके दिखाऊंगा, काम की क्वालिटी 100% दूंगा मैं। ये इंपॉर्टेंट है कि सबॉर्डिनेट सबॉर्डिनेट से काम लेकर के खुद करेगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी प्रोड्यूस करेगा। परसिवरेंस में है ना, चाइना परसिवरेंस में नहीं होगा शायद, चाइना नहीं हो सकता। 6 बजे ऑफिस बंद हो गया, छह बजे ऑफिस बंद हो गया तो नक्स ओमिका का काम नहीं हुआ है तो वो रुक के काम करेगा 10 बजे तक, नहीं है? नहीं। 10 बजे तक रुक के काम करेगा और अच्छी तरह से करेगा। तो नक्स ओमिका का कोर है कि कोई भी चीज परफेक्टली करना, अच्छी तरह से करना, एफिशिएंटली करना, exactly. ये है। और चाइना का कोर क्या है कि वो हिंडर हो चुका है। चाइना का कोर क्या है? चाइना के अपने फैंसीज है, लेसीबीएस अमोरोस फैंसीज ऐसे बहुत सारे रूबरी के जिसको हम लोग परपजली टच, उसी को हमने बोला महल कैसल्स, परपजली टच नहीं कर, इसके अपने अप कुछ कंसेप्ट से अपने इमेजेस से और उसको पाना चाहता है और जब नहीं मिलता है तो दूसरों पे दोष देके बैठ जाता है। और उस सेंसिटिविटी की वजह से उसके अंदर वो क्षमता भी नहीं है, लेसीबीएस विद इंपोर्टेंस है। हां लेसीबीएस विद इंपोर्टेंस ही है, वही रूबरी में बोल रहा, काम की इच्छा है लेकिन पावर नहीं है। इसलिए तो उसकी जितनी कैपेसिटी है ना उससे बड़े ख्वाब दिखता है वो, काफी सारे केसेस में होता है कि बड़े ख्वाब दिखता है। अरे तू यार नॉर्मल ग्रेजुएशन कंप्लीट करना, उसके बाद तुझे जाना है फिल्म इंडस्ट्री में, बाद में जा, तू अभी मेन तेरा मेन स्ट्रीम करियर छोड़ के एब्रप्टली बीच में छोड़ के तू ये बीच में नया कोर्स चालू किया आर्ट का डिजाइन का और उसके लिए 1.5-1.5 लाख का तुझे लैपटॉप ये चाहिए, मैकबुक चाहिए, लॉजिकल। और एक लाइसेंस तो अपन ने डिफरेंशिएट कर दी मोहन जी सर के शब्दों में, एक नक्स ओमिका दिखाने वाली और चैमोमिला बोल रहा था, चैमोमिला ऐसी बदतमीज दवा है जैसे एक बार नहीं वर्ड है वो अनसिविलाइज्ड। एक बार मेरे पास में एक बूढ़ी महिला थी अराउंड 65 इयर्स ओल्ड, अरे डॉक्टर दवा देना, अरे मैंने कहा मैं हिल गया, मतलब शी एंटर्ड शी सिट्स एंड शी सेज डॉक्टर दवा देना, मैंने कहा अरे यार ये कौन आ गया। तो चाइना अपने में इतना खिन्न भिन्न रहता अपनी प्रॉब्लम को लेकर के, और चैमोमिला एनवायरनमेंट के ऊपर अनसिविल रूबरी, सिविल कैन नॉट बी, सिविल कैन नॉट बी, और तुरंत ठीक करो, इंपेशेंस वांट्स टू बी ट्रीटेड इमीडिएटली करके ऐसा करके रूबरी का मैं आपको दिखा दूंगा, तुरंत ठीक होना चाहिए। तो आर्सेनिक की उसमें महक आएगी, आर्सेनिक के अलावा आर्सेनिक का 3 मैन का वीडियो देखिए तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लिंक यहां पर है। तो कैमोमिला बदतमीजी पर उतरेगा और चाइना परसिक्यूशन में जाएगा, टॉर्मेंटेड में जाएगा, बिटरनेस में जाएगा, और लोग मेरे काम में अड़चन डाल रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं। अभी आप में से कई लोग अभी कमेंट बॉक्स पर डालेंगे कि सर मंथन का जो सुनील सर का लेक्चर है वो हम कैसे देख सकते हैं, तो ये मंथन का पार्ट 2 है, अभी और 4 बाकी है, तो पार्ट 3 हुआ, पार्ट 3 तो आगे के आने वाले 3 मिस मत करो। बाकी ये रिकॉर्डिंग कैसे हमारे एसकेडी साहब हमें दे सकते हैं वो हम देखेंगे, लेकिन वो आगे की बात है, आगे जो आने वाले मंथन के वेबिनार्स है वहां पर मिस करो मत करो, क्योंकि ये रोजमर्रा की अपनी दाल रोटी सब्जी जो है क्लिनिक में आती है रोज सुबह और दोपहर शाम दे सकते हैं, ऐसे रूब्रिक्स ऐसे रेमेडीज आपको मंथन में पक्का मिलेंगे और इनके ऊपर मंथन होना बहुत जरूरी। नॉट ओनली इन मंथन है जो हम लोग वेबिनार सीरीज चलाते हैं, जो एकेडमी का जो डेडिकेटेड वर्क है, अभी जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि एक्वामरीना का पूरा 2.5-3 घंटे का लेक्चर हुआ है वेबिनार में। एक्वामरीना भी इनके लेफ्ट हैंडेड दवा है। देखो जैसे अभी वो हम लोग कभी लेंगे या आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल है उसके है एकेडमी के तो कुछ उसका देखेंगे, तो हम लोग अटक से उधर टच नहीं कर रहे। क्योंकि देखो टॉर्मेंटेड चाइना भी है, लाइसिन भी है, तीसरा एक्वामरीना। चाइना अंदर से परेशान होता है, टॉर्मेंट होता है, लाइसिन किसी के ऊपर डिपेंड होता है और बाहर से उस डिपेंडेंट व्यक्ति की वजह से टॉर्मेंट होता है। अभी एक्वामरीना अगर आपको सीखना है तो आपको ना एकेडमी के तो आपको एक पहले तो ये चैनल सब्सक्राइब करना है
बेल आइकन दबाओ तो आपको ना नोटिफिकेशन आएंगे और आप मिस नहीं करेंगे आगे की जो एक्टिविटीज है ना वो मिस नहीं करेंगे, क्योंकि देखो ये जो सोशल मीडिया है ना यूट्यूब पे, यहाँ पे हम लोग बेसिक चीजें ही ले सकते हैं बहुत सारे रीजंस की वजह से, मजा नहीं केसेस देख के जो फील आता है, क्योंकि जैसे ये अभी बताया ना इन्होंने, तो आई एम श्योर कि आपके पास जब केस आएगा तो हो सकता है वो केस एक्वामरीना का हो सकता है वो केस लाइसिन का हो सकता है चाइना का हो सकता है नक्सोमिका कोलोसिन दो, और अगर आप इस केस को ये रेमेडी दोगे तो काम तो नहीं बनेगा, तो आप हिंडर हो जाओगे। ड्रग पिक्चर को पूरे टोटलिटी में देखना, जैसे अभी इसने जॉन मिला बताया ना, अभी मैंने जो अमंथन में केस दिखाया वो साइकिल वर्कशॉप वाला, उसका क्या सेंटेंस था कि इस जुकाम की वजह से जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाया, और डॉक्टर साहब इतने डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, कंसल्टेंट सुपर कंसल्टेंट दो दो हजार पांच पांच हजार फी दिया है, तुम इतने बड़े डॉक्टर हो के एक मामूली सा जुकाम ठीक नहीं कर पाए, तुम काहे के बड़े डॉक्टर, ऐसा उसका सेंटेंस था। ये एक्चुअली आपको लगेगा कि सिविल कैन नॉट बी, लेकिन फिर उसके पीछे जाके जब समझोगे ना तो समझ में आता है ये टॉर्मेंट है, ये वाइटल फ्लूइड लॉस है, ये जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाया इसलिए गुस्सा कैरी कर रहा, फिर ड्रग पिक्चर के नजदीक। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया ना सुनील सर ने, रिएक्शन, ये रिएक्शन एक्शन एंड रिएक्शन, तो ठीक है। सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, बिकम अ पार्ट ऑफ एचएचएफ प्लीज, यू कैन बिकम स्टडी ग्रुप ऑफ टेलीग्राम, यू कैन कॉन्टेक्ट डॉक्टर जयंत एंड डॉक्टर प्रिया, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखो, सारी चीजें दी है, सारी चीजें दी है, सारे वीडियोस जो है ना प्रीवियस वीडियो के नीचे के डिस्क्रिप्शंस देखो और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, तो आपको ना आगे का, अभी क्या हुआ मंथन पार्ट वन खत्म हो गया था, उसके बाद काफी लोग मैसेज कर रहे हैं कि हम वेबिनार कैसे ज्वाइन करें, अरे हमने तो 10 दिन पहले अनाउंस किया था और अभी वेबिनार हो भी गया है, तो आप मिस मत करो, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी मिस मत करो, क्योंकि इसमें से लर्निंग प्रोसेस, इतने सालों का एक्सपीरियंस स्पीकर देता है जो भी स्पीकर होता है, और इसमें सीखने की एक अलग मजा होता है। बाकी एचएचएफ तो है आपके लिए, हम आप और होमोपैथी चलते रहेगी, मिल बैठेंगे तीन यार, आप नहीं, हम कोशिश करेंगे, आज हम लोग नासिक में आए ना, आप हम और होमोपैथी, हम चार रहेंगे, अगली बार किसी और शहर में जाएंगे आपके लिए और कोई एक्सपर्ट के साथ, नई रेमेडी, बिल्कुल, फिर मिलेंगे, चलिए ब्रेक के बाद, मजा आया, फिर मिलेंगे, बाय बाय।